देखिए पिछले 3 महीने से कुंडल में कटाव लगा हुआ है, जिसमें 76 घर पहले ही कट चुका है। बीच में पानी घट गया था और अभी जो जलस्तर घटने के बाद परसों मध्य विद्यालय कुंडल का उत्तर दिशा वाला जो दीवार गिरा, उसके बाद मैं CO साहब को फ़ोन किया, सब जगह खबर किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब हमको लगता है कि अगर अभी जल्दी नहीं कुछ किया गया तो ये मध्य विद्यालय का पूरा भवन आज शाम तक में ही कोसी में समा जाएगा। प्रशासन के तरफ से क्या बचा? प्रशासन के तरफ से अभी हमको जैसा लगता है कि जहाँ भी फोन कर रहे हैं सब बोल रहे हैं हम चुनाव में लगे हुए हैं, चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, अब हमको फुर्सत नहीं है। तो इस तरह से तो गांव बचेगा नहीं, और अभी तक आपदा के नाम पर एक भी आदमी को कोई सहायता नहीं मिला। यहाँ प्रशासन नहीं आया। कल SDO साहब आए थे, और आए तो अब उसमें अब आगे वो उन्होंने क्या खबर किया, अब तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। कटाव जारी है? कटाव बिल्कुल बहुत तेजी में जारी है, जबकि वो लोग बताते हैं कि पानी घट गया, पानी घटने के बाद ही कटाव होता है। अगर इस पर जल्दी में नहीं एक्शन लिया गया तो यहाँ मध्य विद्यालय कुंदा स्कूल है, उसके जस्ट बगल में उप स्वास्थ्य केंद्र है, सब सारा सरकारी भवन सब चला जाएगा। इसको तो कम से कम बचाना चाहिए।